हेलो चैंपियंस, इंजीनियरिंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। तो यहाँ पे न्यूज़ आ चुकी है, जो हमारे जेकब के बच्चे हैं, पॉलिटेक्निक के बच्चे हैं, जिन्होंने एग्जाम दिया था, तो काउंसलिंग के बारे में चर्चाएं हो रही थी। काउंसलिंग कब से स्टार्ट होने वाली है, तो उसकी सारी नोटिस आ चुकी हैं और आपकी काउंसलिंग जो है वो 14 तारीख से स्टार्ट होने वाली है, यानी कि कल से। ठीक है, तो ये चीज़ आपको अच्छे से पता कर लेना। सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह की वीडियो हम पहले आपको दे चुके हैं कि क्या डॉक्यूमेंट्स बनवाना था, तो शायद आपने सारी चीज़ों को बनवा लिया होगा, क्योंकि अब समय नहीं आपके पास, क्योंकि कल से रजिस्ट्रेशन आपके स्टार्ट है और आपके अक्टूबर से क्लासेस स्टार्ट है। ठीक है, 1 अक्टूबर से क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। तो सारी जो प्रोसेसेस है वो आज हम यहाँ पर बात करेंगे, आप देख सकते हैं और यहाँ पेज पे हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन लेके यहाँ पे बैठे हैं। तो सब कुछ यहाँ पे बात किया जाएगा, कितने चरण होने वाले हैं और किस तरह की काउंसलिंग होने वाली है, सब कुछ यहाँ पे बातें होंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आपको हम डेट बता देते हैं, उसके बाद जो अपडेट्स आए हैं उसको भी आपके साथ शेयर किया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप नोटिस पहले देख लीजिएगा क्या चीजें हैं। यहाँ पे पढ़ सकते हो, प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरण में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रदेश के सभी जनपदों में बने सहायता केंद्रों पर किया जाएगा। काफी अच्छी न्यूज है ये, क्योंकि पहले क्या होता था कि जहाँ पे आपको कॉलेज अलॉट होता था, ठीक है, मतलब आपने रजिस्ट्रेशन करवाया, फिर आपने फीस सबमिट किया, 300 रुपये आपकी फी लगती है, आप जानते होंगे काउंसिलिंग फी होती है, जो कि नॉन रिफंडेबल होती है, वापस नहीं होती है। उसके बाद आपको जो कॉलेज मिल जाता है, कॉलेज प्रेफरेंस में आपको कॉलेज मिल जाता है, तो उसमें करना क्या होता है कि आपको वेरिफिकेशन करवाना होता है कॉलेज में जाके। ठीक है, तो जिस कॉलेज, जैसे कि आपको मान लीजिए आप रहते हो लखनऊ में और आपको गाजियाबाद में आपने भरा था, गाजियाबाद में आपको मिल गया, तो वहां पे जाके वेरिफिकेशन करवाना पड़ता था। ठीक है, तो ये चीजें अब नहीं है, अब चेंज हो गया है कि जो है कॉलेज, जैसे अगर आप लखनऊ में ही हो तो आपके लिए सेंटर बनाया जाएगा स्वकेंद्र आपके जिले में ही, वहां पे ही आप जाके इस चीज को वेरिफिकेशन करवा सकते हो। और ये कैसे पता लगेगा कि आपका जो सेंटर है जिले में कहाँ पे बना है, तो जब आप जब लोड करोगे, प्रिंट आउट निकालेंगे अपने कॉलेज अलॉटमेंट का, तो वहां पे उसका सेंटर दिया हुआ होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, प्रथम 3 चरण केवल उत्तर प्रदेश के राज्य एवं संयुक्त प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग तथा प्रवेश के लिए है। 3 चरण होंगे काउंसिलिंग, सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही होंगे, उसके बाद बिहार के बच्चों के लिए होते हैं। ठीक है, चतुर्थ चरण से ही स्टार्ट किया जाता है अदर स्टेट के बच्चे। ठीक है, सीट आवंटन के पश्चात फ्लोट फ्रिज का विकल्प चयन करना होता है आपको। अगर जब सीट मिल जाती है तो आप फ्लोट करवाना चाहते हैं, फ्रिज करवाना चाहते हैं। फ्लोट फ्रिज क्या होता है आपको बता दें, फ्रिज का मतलब होता है कि आप वहीं पे ही एडमिशन करवाना चाहते हैं, इसके आगे आप काउंसलिंग नहीं करवाना चाहते, ये चीज होता है फ्रिज का मतलब। ठीक है, फ्लोट में क्या होता है, फ्लोट में ये होता है कि आप और भी काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, तो अगर आपको कॉलेज मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो आपकी ये सीट बची रहेगी। ये फ्लोट और फ्रिज में डिफरेंस है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फ्लोट विकल्प का चयन करने की दिशा में अभ्यर्थी को 3,000 रुपये सिक्योरिटी राशि जमा करनी होगी। ठीक है, जो फ्लोट विकल्प चयन करेंगे उनको 3,000 रुपये देना पड़ेगा। फ्रिज विकल्प का चयन करने की दशा में अभिलेख सत्यापन हेतु जनपद में बने सहायता केंद्र पर जाना होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पश्चात संस्था का प्रवेश शुल्क ऑनलाइन जमा करने की कार्यवाही पूर्ण करनी होगी। अगर आप फ्रिज करवाना चाहते हो, उसका मतलब आप उसी कॉलेज से करना चाहते हो, तो आप डायरेक्ट सारी फीस वहां पे जमा कर दीजिए ऑनलाइन के माध्यम से। ठीक है, चौथा पॉइंट है, प्रथम चरण में सीट आवंटन के पश्चात यदि कोई अभ्यर्थी फ्लोट विकल्प के चयन को के पश्चात सिक्योरिटी राशि नहीं जमा करता है, ठीक है, फ्लोट विकल्प के अगर आप वो सिक्योरिटी राशि नहीं जमा करते जो कि 3,000 रुपये होती है, तो वो द्वितीय एवं तृतीय चरण की काउंसलिंग के लिए पात्र नहीं होगा। तो आप सेकंड और थर्ड राउंड काउंसलिंग को नहीं करवा सकते, आपका ऑप्शन ही नहीं खुलेगा। ठीक है, इसी प्रकार फ्रिज विकल्प का चयन करने के पश्चात यदि अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाता है, अगर आप सेंटर पर जाके आप वेरिफिकेशन नहीं करवाते हैं, तो अथवा प्रवेश शुल्क भी अगर आप नहीं जमा करते हैं, तो द्वितीय या तृतीय चरण की काउंसलिंग के पात्र नहीं होंगे आप। ठीक है, फिर डायरेक्ट काउंसलिंग या स्पॉट काउंसलिंग में ही आपको चांसेस मिलते हैं। ठीक है, इसे प्रति चतुर्थ चरण में पूरा काउंसलिंग के लिए भाग ले सकते हैं। ठीक है, तो चतुर्थ काउंसलिंग में आप जानते हो अदर स्टेट के बच्चे जब आ जाएंगे, तो सीट काफी चांसेस कम होती है मिलने के लिए। ठीक है, अच्छा पॉइंट है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पश्चात राजकीय तथा अनुदानित पॉलिटेक्निक संस्थाओं के अभ्यर्थी अपने लॉगिन से संपूर्ण शुल्क जमा करेंगे। निजी पॉलिटेक्निक संस्थाओं में प्रवेशित अभ्यर्थी केवल 3,000 रुपये अपने लॉगिन के माध्यम से जमा करेंगे। ठीक है, फीस की बात हो गई। यदि संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2021 में उत्तीर्ण अभ्यर्थी प्रथम चरण में रजिस्ट्रेशन नहीं कराता है, तो वह द्वितीय चरण में रजिस्ट्रेशन कराकर काउंसलिंग में भाग ले सकता है। ठीक है, काफी बड़ी आती बच्चों की, सर मान लीजिए अगर हमने प्रथम चरण में पहले राउंड में अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, कि हमें सेकंड में करा सकते हो, वहाँ बिल्कुल करवा सकते हो बच्चे, और काउंसलिंग भी आप करवा सकते हो। ठीक है, अगर आप द्वितीय में नहीं कराते हो, तो तृतीय चरण में भी आप काउंसलिंग करवा सकते हो, एलिजिबल है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन के समय अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक जनपद का चुनाव करना होगा। जब 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 वेरिफिकेशन करवाना होगा, तो वहां पे आपको एक ऑप्शन आएगा कि आप किस जनपद में करवाना चाहते हो, खुद के या दूसरे में। ठीक है, ये भी ऑप्शन होता है, रजिस्ट्रेशन के समय ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्रवेशित सीट को छूटने की दशा में आवंटित संस्था एवं पाठ्यक्रम पूर्णतया निरस्त हो जाएगा एवं जमा किया गया संपूर्ण प्रवेश शुल्क वापस कर दिया जाएगा।
अगर आप सीट छोड़ते हो तो। परंतु इसे अभ्यर्थी काउंसलिंग के समस्त चरणों से बाहर हो जाएगी एवं बीच दिशा में 21 पाई में प्रवेश पत्र हेतु पात्र नहीं हुई, मतलब प्रवेश आप एडमिशन तब नहीं करवा सकते अगर आप सीट छोड़ देते हो तो, ठीक है, आप पात्र नहीं होते हो। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स थे, महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे, डॉक्यूमेंट्स वाले पॉइंट्स हम पिछले मीटिंग बता चुके हैं। अब चलिए डेट डिस्कस कर लेते हैं किस डेट को क्या चीज होने वाला है, ठीक है। तो फर्स्ट राउंड यहाँ पे देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन आपका जो है वो 14 से स्टार्ट हो जाएगा, यानी कल से स्टार्ट हो जाने वाला है, 14 से 16 14 15 16 3 दिन आपका रजिस्ट्रेशन चलेगा सिर्फ और यूपी स्टेट के बच्चों के लिए, ठीक है। फिर चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग जो है ये 15 16 2 दिन सिर्फ चलेगा, आपको ध्यान रखना है 15 16 2 दिन चलेगा। फिर जो आपका अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा वो 17 तारीख को आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप फ्रीज भी करवा सकते हो, फ्लोट भी करवा सकते हो, हमने बता दिया दोनों में अंतर क्या है, ठीक है। तो फ्रीज फ्लोट आप करवा लीजिएगा, उसका समय मिलता है आपको 18 और 19 2 दिन, शाम 5 बजे तक आपको समय मिल जाता है, ठीक है। कभी कभी क्या है ये समय आपका बढ़ा भी दिया जाता है, ठीक है, लेकिन आपको जो यहाँ पे टाइम दी गई है उसके हिसाब से ही काम करें, क्या पता बढ़ाया जाए कि ना बढ़ाया जाए, ठीक है, क्योंकि लास्ट ईयर बढ़ाया गया था। फर्स्ट राउंड सिक्योरिटी फीस 3,000 होगी, फ्लोट अगर करवाते हैं तभी आपको जमा करना, अगर आप फ्रीज करवाते हैं तो सारी फीसें आप जमा कर दीजिए, ठीक है। सेकंड राउंड का जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा 20 तारीख से होगा, पहला 14 तारीख से, और सेकंड राउंड का 20 से 3 दिन रजिस्ट्रेशन चलता है, 20 21 22 सॉरी 20 21, इसमें 2 ही दिन रजिस्ट्रेशन चलेगा, ठीक है, पहले राउंड में 3 दिन था, सेकंड राउंड में 2 ही दिन रजिस्ट्रेशन चलेगा। तो चॉइस फिलिंग और लॉकिंग बाय न्यू कैंडिडेट्स एंड फ्लोट कैंडिडेट्स, यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन आते हैं। अगर आप सेकंड राउंड में हो तो जो फ्रेशर बच्चे हैं सेकंड राउंड में से काउंसलिंग करवा रहे हैं, पहले में नहीं करवाए थे वो भी इसमें करवा रहे हैं। दूसरा, जो बच्चे फ्लोट करवा चुके हैं फर्स्ट राउंड के लिए कि हम एक अदर कॉलेज देख रहे हैं, अदर कॉलेज के लिए वो काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जो कि 2021 को उनका चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आएगा, ठीक है। फिर इसका अलॉटमेंट रिजल्ट 22 को आ जाएगा। फ्रीज फ्लोट का ऑप्शन आपका 23 24 को रह जाएगा, शाम 5 तक। सेकंड राउंड सिक्योरिटी फीस आप जमा कर सकते हो 24 तारीख तक, ठीक है, वही सेम डेट 5 बजे शाम तक। फिर थर्ड राउंड की जो काउंसलिंग है आपको 25 से स्टार्ट होगी, ठीक है। सेकंड देखिए पहला 14 तारीख को, सेकंड राउंड की 20 तारीख को, थर्ड राउंड 25 तारीख को स्टार्ट होगी। फिर यहाँ पे भी आपको 25 26 2 दिन मिलता है रजिस्ट्रेशन के लिए, चॉइस फिलिंग के लिए 25 26 2 दिन मिलेगा। फिर एक दिन रिजल्ट आएगा 27 को, 28 29 30 ये आपके फ्लोट के बच्चों के लिए, फ्रीज के लिए सेंटर पर जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होता है, ठीक है। तो फीस डिपोजिशन आप क्या कर सकते हैं, लास्ट आपका 30 तारीख हो जाएगा, थर्ड राउंड के बच्चों के लिए 30 तारीख हो जाएगा। एडमिटेड सीट विद्रॉल 18 से 30, ठीक है, 18 से 30 कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस फॉर सेशन 2021 की। हम महत्वपूर्ण हिस्सा ये है कि 10 तारीख से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, इसीलिए सारी जल्दी जल्दी चीजें हो रही हैं, ठीक है। बाकी सारी चीजें आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। और एक बात ये रह जाती है बच्चों का कि सर हम किस तरीके से जो है काउंसलिंग करें सर, तो उसके लिए हम जो है नेक्स्ट वीडियो लेके आने वाले हैं, ठीक है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिएगा आप लोग, तो आपके लिए हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। और कमेंट जरूर करिएगा बच्चों, आप लोग कमेंट नहीं करते हो, कमेंट जरूर किया करिए आप लोग जो है। हम सब्सक्राइबर के नाम से भी नाम भी अनाउंस करते हैं उनको, थैंक यू बोलते हैं पर्सनली जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं, ठीक है। तो आप कमेंट किया करिए, और फिर अगर आप वीडियो अगर आप चाहते हो किस तरीके से काउंसलिंग किया जाए, आपको गवर्नमेंट कॉलेज फिक्स मिल जाए, किस तरीके से गवर्नमेंट कॉलेज आप पा सकते हो, क्या पॉसिबिलिटी है पाने की, सारी चीजें डिस्कस करेंगे, किस रैंक से किस रैंक तक मिल जाता है, सब कुछ डिस्कशन होगा नेक्स्ट वीडियो में, जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अच्छा, इसका पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप जाकर इसको डाउनलोड करके सारे प्लान जो है आप पीडीएफ फॉर्म में ले सकते हो, ठीक है। मिलते हैं।